हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में कुछ एग्जांपल के जरिए से बिटवीन कहाँ पर यूज़ करना है और एमंग कहाँ पर यूज़ करना है चलिए जानते हैं। बहुत इजी मेथड में आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। देखिए, बिटवीन का मतलब सपोज वहाँ पर दो पर्सन है, ठीक है, ये एक वन ये टू, ओके। दोनों के बीच में अगर हम कुछ भी कंपेयर कर रहे हैं या कुछ भी मैटर जो बोल रहे हैं, तो अगर दोनों के बीच में है तो उसे बोलते हैं बिटवीन, ओके। एमोंग मतलब दो से ज़्यादा पर्सन्स रहेंगे, जो दो से जितना भी हो सके बट दो से ज़्यादा रहना चाहिए। तो उनके बीच में हम कुछ बोल रहे हैं तो उस वहाँ पर हम एमोंग यूज़ करते हैं। तो बस आपको ये याद रखना है कि बिटवीन का मतलब दोनों के बीच में ओनली टू पर्सन्स रहना चाहिए, एमोंग मतलब मोर देन टू पर्सन्स, बस इतना ही। आपको ये याद रहने से बाकी आप सो ये एक्सरसाइज इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। द पिज्ज़ा इज डिवाइडेड ब्लैंक द टू बॉयज़। देखिए यहाँ पर टू बोल के है, मतलब दोनों दो मेंबर्स ही हैं, दो लड़के हैं। तो यहाँ पर देखिए, दो रहने से हम क्या यूज़ करते हैं, बिटवीन। तो यहाँ पर इजीली हम बिटवीन ही यूज़ करेंगे, ओके। देखिए सेकंड क्वेश्चन, द प्रिंटर इज ब्लैंक द कंप्यूटर एंड द फोटोकॉपियर। तो यहाँ पर कंप्यूटर एंड है और फोटोकॉपियर, मतलब ये दोनों चीज के बीच में हम बात कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली आपको मतलब पता चल जाएगा कि यहाँ पर दोनों चीज़ है तो बिटवीन यूज़ होगा। द प्रिंटर इज़ बिटवीन द कंप्यूटर एंड द फोटो कॉपियर, यहाँ पर भी हम बिटवीन यूज़ करेंगे, ओके। नाउ चलिए थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई विल बी एट वर्क ब्लैंक 8 AM एंड 5 PM। मतलब यहाँ पर भी दो समय के बारे में ही बात कर रहे हैं, एक है 8 और दूसरा टाइम है 5। मतलब हम दोनों टाइम के बारे में उसके बारे में बात करें तो ये दोनों चीज़ है। तो यहाँ पर भी आई विल बी एट वर्क बिटवीन 8 AM एंड 5 PM। तो यहाँ पर दोनों मतलब दो पर्सन्स नहीं, दो चीज़, दो समय ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, बट आपको कंपेयर बस दोनों के अंदर ही करना है तो बिटवीन यूज़ होगा। फोर्थ क्वेश्चन, देर वॉज ए फाइट ब्लैंक द टू गर्ल्स। मतलब यहाँ टू गर्ल्स हैं तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा कि दोनों के बीच में तो बिटवीन, देर वॉज ए फाइट बिटवीन द टू गर्ल्स, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट, देर आर अ फ्यू फ्रेंच स्पीकर्स ब्लैंक द स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर नहीं बोला है कि आपको दो स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट, एक तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एस है तो प्लूरल है तो एक से ज़्यादा है, बट यहाँ पर हमें स्पेसिफिक नहीं बताया गया है कि दो स्टूडेंट हैं, ऐसे कुछ भी मेंशन नहीं है। तो देर आर ए फ्यू फ्रेंच स्पीकर्स ब्लैंक द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स हैं, मतलब दो से ज़्यादा हैं। तो दो से ज़्यादा रहने से हमें क्या यूज़ करना है, एमोंग। तो यहाँ पर एमोंग यूज़ होगा। अभी सेंटेंस रीड आउट कीजिए। देयर आर अ फ्यू फ्रेंच स्पीकर्स एमोंग द स्टूडेंट्स, है ना इजी, बहुत इजी है, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखने से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, द डिफरेंस ब्लैंक द टू ड्रेसेस इज दैट वन इज़ शॉर्ट एंड वन इज़ लॉन्ग। तो यहाँ पर टू ड्रेसेस, देखिए यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ पता चल रहा है कि दो ड्रेसेस के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर जो दो रहता है तो हमें यहाँ पर बिटवीन यूज़ करते हैं, ओके। नेक्स्ट वन, सेल्स ऑफ, तो एक बार ये रीड आउट करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द टू ड्रेसेस इज दैट वन इज शॉर्ट एंड वन इज लॉन्ग, ओके। नेक्स्ट वन, सेल्स ऑफ मैगजीन्स ब्लैंक द ब्लैंक बुक क्लब मेंबर्स इंक्रीज्ड स्लाइटली दिस ईयर। तो यहाँ पर देखिए, सेल्स ऑफ मैगजीन्स ब्लैंक बुक क्लब मेंबर्स इंक्रीज स्लाइटली स्लाइटली दिस ईयर। तो यहाँ पर
बुक क्लब मेंबर्स लिखा गया है, मतलब यहाँ पर टू पर्सन्स या किसी का नेम कुछ भी मेंशन नहीं है, दो मेंबर्स के बोले ऐसे भी नहीं है, तो यहाँ पर मेंबर्स है यस, तो इसका मतलब प्लूरल ही है, बट दो से ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर स्पेसिफिक आपको दो मेंबर के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। तो सेल्स ऑफ मैगजीन्स एमोंग बुक क्लब मेंबर्स इंक्रीज्ड स्लाइटली दिस ईयर, तो हम एमोंग यूज़ कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगोलिया इज इन डैश चाइना एंड रसिया, तो यहाँ पर दो कंट्री का नाम है, तो ये बस चाइना एंड रसिया वन और ये टू, तो दो कंट्री है तो दो होने से हमें क्या यूज़ करना है, बिटवीन, बहुत इजी है ना। तो जब आपको फॉर्मूला पता चल जाता है या कुछ ट्रिक पता चल जाता है तो आपको जितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, कन्फ्यूजन का क्वेश्चन हो, इजीली सॉल्व हो जाता है ना। तो बस आपको ये वो सीखने का चीज जरूरत है जो कि की है, मतलब ट्रिक, ये कुछ भी टिप्स ऐसे सीखने से आपको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मंगोलिया इज इन बिटवीन चाइना एंड रसिया। ओके, नेक्स्ट वन, आई सेट डैश द अदर स्टूडेंट्स, मतलब यहाँ पर स्टूडेंट्स लिखा गया है, कितने स्टूडेंट्स आपको नहीं पता, स्पेसिफिक आपको दो पर्सन बोल के नहीं लिखा है, दो स्टूडेंट नहीं लिखा है, इसका मतलब है दो से ज़्यादा हैं। आई सेट एमोंग द अदर स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट वन, द टीचर इज वेरी पॉपुलर ब्लैंक हिज स्टूडेंट्स, द टीचर इज़ वेरी पॉपुलर ब्लैंक, मतलब ही स्टूडेंट्स लिखा गया है, लेकिन दो पर्सन दो स्टूडेंट्स के ही पॉपुलर है, ऐसे कुछ भी मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब भी एमोंग ही होगा। द टीचर इज़ वेरी पॉपुलर एमोंग ही स्टूडेंट्स। ओके, तो ये दो से ज़्यादा है। नेक्स्ट, रोहन शेड द मनी ब्लैंक द होल क्लास, होल क्लास मतलब ऑटोमेटिकली दो से ज़्यादा ही है और यहाँ पर मैंशन भी नहीं है, राइट, तो होल क्लास लिखा गया है, तो इसका मतलब दो से ज़्यादा है, तो आपको बस सिंपली अमोंग लिख देना है। तो आंसर क्या हुआ, एक बार रीड आउट कीजिए, रोहन शेड द मनी अमोंग द होल क्लास, है ना, बहुत इजी है और बहुत सिंपली हम आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन, देयर वॉज ए सिमिलैरिटी इन सेल्स ऑफ फिक्शन बुक्स ब्लैंक मेंबर्स एंड नॉन मेंबर्स, ये बात सुनिए, यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है, जैसे कि यहाँ पर बोला है मेंबर्स, ऑफ कोर्स एक से ज़्यादा हैं, ओके, फिर एंड लिखा गया है, मतलब और भी कुछ है, जैसे कि नॉन मेंबर्स, मतलब मेंबर्स हैं नॉन मेंबर्स भी हैं, तो नॉन मेंबर्स में भी एक से ज़्यादा है, बट आपको यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, यहाँ पर तो टू कुछ भी नहीं लिखा है, तो पर मतलब दो स्पेसिफिक दोनों बल्कि ऐसे कुछ भी नहीं लिखा है, बट आपको ये याद रखना है कि ये एक ग्रुप है, मेंबर्स हैं जो कि वन ग्रुप हो गया, नॉन मेंबर्स वो दूसरा ग्रुप है, मतलब ये वन ग्रुप या सेकेंड ग्रुप। ओके, तो दोनों ग्रुप के बीच में आपको कंपेयर करना है, मतलब दोनों ग्रुप्स हैं ताकि आपको ये नहीं सोचना है कि ग्रुप में एक हैं या ज़्यादा हैं, ये ग्रुप है, मतलब ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट है, ठीक है, तो इसमें चाहे दो से ज़्यादा ही मेंबर्स क्यों ना हो, यहाँ पर भी दो से ज़्यादा मेंबर्स क्यों ना हो, बट ये एक सेपरेट ग्रुप है और ये सेपरेट ग्रुप है, दोनों ग्रुप के अंदर बीच का बात हम मतलब वहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं ना, तो आपको ये दूसरा ये ग्रुप सेपरेट हो गया, ये सेपरेट है, यहाँ पर क्या लगेंगे, बिटवीन यूज़ होगा, अब एमोंग यूज़ नहीं करना, मतलब ये आप नहीं सोचना है कि आपको नहीं सोचना है कि दो से ज़्यादा है तो एमोंग मतलब कैसे यूज़ होगा, ऐसे नहीं सोचना है, आपको यहाँ पर बिटवीन यूज़ करना है, तो दो पर्संस भी हो सकते हैं या दो ग्रुप हो सकते हैं, मतलब ये सेपरेट ग्रुप है और ये सेपरेट है, तो कंपैरिजन बिटवीन टू ग्रुप्स भी हो सकता है, ठीक है। तो देयर वॉज अ सिमिलैरिटी इन सेल्स ऑफ फिक्शन बुक्स बिटवीन मेंबर्स एंड नॉन मेंबर्स। ओके, तो ये अलग है, ये अलग है, इसलिए हमें बिटवीन यूज़ करना है,
आपको ये नहीं सोचना है कि यहाँ पर दो से ज़्यादा हैं, यहाँ पर भी दो से ज़्यादा हैं, तो एमोंग यूज़ करना है नहीं, क्योंकि आपको ये की या देखिए यहाँ पर पता चल रहा है एंड, एंड मतलब बस दो है, जे ये वन है और ये टू है ना, तो हो गया। तो यहाँ पर हम बिटवीन यूज़ करेंगे, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको ये बस याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीना सैट इन ब्लैंक प्रिया एंड श्वेता, मतलब यहाँ मीना किसके बीच में बैठी है, प्रिया और श्वेता के बीच में बैठी है। तो प्रिया एक पर्सन है, फिर श्वेता दूसरी पर्सन है, मतलब ये दोनों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जब टू मेंबर्स के बारे में बात करते हैं तो हम बिटवीन यूज़ करते हैं, हो गया। तो मीना सेट इन बिटवीन प्रिया एंड श्वेता, क्लियर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो और ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा बाय ये सिंपल ट्रिक से, ओके। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया चीज़ सीखने को मिला या इजीली सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू सो मच।